उत्तरी दिल्ली के नगर निगम द्वारा नरेला रोड से कुरैनी गांव तक के मार्ग का नामकरण चौधरी हाजी उमराव अली मार्ग किया गया। नामकरण समारोह को कुरैनी गांव राजधानी पब्लिक स्कूल में सुबह 11 बजे से प्रारंभ किया गया। इस प्रोग्राम में स्थानीय निगम पार्षद सविता नरेश खत्री, समाज सेवी हाजी चौधरी अब्बास अली, समाज सेवी हेमराज बंसल की गरिमा उपस्थिति रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेला की निगम पार्षद श्रीमती सविता नरेश खत्री ने की। आपको बताते चलें कि चौधरी हाजी उमराव अली नरेला ग्रामीण अंचल में एक उत्कृष्ट समाजसेवी, दानवीर व्यक्तित्व के स्वामी, गरीबों के मददगार, महान शिक्षा प्रेमी, ग्रामीण नरेला इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के प्रेमता के तौर पर याद किए जाते हैं। उनके नाम पर हो रहे इस मार्ग का नामकरण समारोह नरेला व आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक हस्तियों ने भी में भाग लिया और नामकरण समारोह आज सुबह 11 बजे कुरैनी गांव में स्थित राजधानी पब्लिक स्कूल में हुआ, जिसमें उत्तरी नगर निगम व नरेला जोन के कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही निगम प्रसाद सविता खत्री ने बताया कि मैं जब से नरेला में आई हूँ, मैंने हाजी उमराव अली साहब के बारे में काफी कुछ सुना है। एक निगम पार्षद के तौर पर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आज उनके नाम पर हो रहे सड़क के नामकरण समारोह की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला रहा है। कहते हैं कि एक वक्त था जब किसी चौधरी हाजी उमराव अली साहब ने नरेला ग्रामीण अंचल में देशप्रेम की आज़ादी का जनून लोगों के दिलों में पैदा कर दिया था। हमारी पीढ़ियां उस महामानव के कृतित्व की कर्जदार है। उन्होंने हमें विरासत में आज का प्यारा नरेला सौंपा है। हम सभी आज उनके नाम पर, जब एक मार्ग का नामकरण हो रहा है, अभिभूत है। हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन मूल्यों के का अनुकरण करते हुए भारत भूमि की एकता अक्षुण रखने को कृतसंकल्पित है। चौधरी हाजी उमराव वाली की याद और उनके सफर को आगे बढ़ाने का कार्य करने कंधों पर अपने उठाया है। उनके अजीज नवासे हाजी चौधरी अब्बास अली ने आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि हाजी चौधरी अब्बास अली ने रेलवे ग्रामीण अंचल की जनता के बीच कितने खासे लोकप्रिय हैं। हाजी चौधरी उमराव अली मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर ट्रस्ट कायम कर चौधरी अब्बास अली उन्हीं के नक्शे कदम पर लगातार समाज सेवा व शिक्षा सुविधाएं में विस्तार करने में लगे रहते हैं। यह उनकी दुआओं में नेक कार्यों का ही फल है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने इतनी नेक औलाद मिली जो उनके नाम को क्षेत्र में आगे बढ़ाने में लगी हुई है। दानवीर साथी वह संयमी हाजी चौधरी अब्बास अली आज प्रधानाध्यापक के हैसियत से बच्चों को भावी भविष्य के लिए शिक्षित व गुणवान बनाने में लगे हुए हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि सफल इंसान बनने की बजाय सिद्धांतों वाला इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही थे हाजी चौधरी उमराव अली, मैन ऑफ वैल्यू। ऐसे लोग ही समाज पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज जिस तरह से मानवता मर रही है, इस मानवता को पुनर्जीवित करने के लिए भारत पर ऐसे ही महान पुरुषों को फिर से अवतार लेने की आवश्यकता है। इन महापुरुषों के कार्यों को याद करके, उनके बताए रास्ते का अनुसरण करके ही हम आगे अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को विरासत में कुछ अच्छा दे पाएंगे और उनके इसी सामने इसी सपने को पूरा करने में उनके नवासे हाजी चौधरी अब्बास अली पूरी। आज ही हमारा नामकरण का कार्यक्रम है, इसमें हमने चौधरी हाजी उमराव अली के नाम से कुरैनी जो गांव की मेन रोड है उसका नामकरण किया है। ये हाजी उमराव जी के बारे में कुछ बताइए। हाजी उमराव अली कुरैनी गांव के एक बहुत ही सभ्य और बहुत ही सामाजिक आदमी थे। इन्होंने अपने टाइम में बहुत काम किया है। इन्होंने आज़ादी में के जो कई आंदोलन है, बहुत से जैसे रेल को और ये खादी देश स्वदेशी चीज़ अपनाओ, इन्होंने भी भाग लिया है। और इन्होंने अंग्रेजी शासन के टाइम में इनको नंबरदार की और न्यायाधीश जिले में सदस्य मनोनीत किए गए थे। उसके बाद पर जब ये आए देश को आज़ाद कराने के लिए, तो इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को त्यागते हुए सिर्फ देश आज़ादी के लिए काम किया। और उन्होंने हमारे यहाँ से बहुत से वरिष्ठ नागरिक हैं, जैसे चौधरी सुनार जयलाल जी हैं, गो चौधरी पंडित गोपाल जी हैं। क्या कारण रहा है कि जो आज़ादी को दिलाने वाले जो हमारे सैनिक थे या पुलिस थे, उनको आज तक वो जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुछ पेंडिंग केस था, ये बहुत दिन से अटका हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरी इस पर नज़र पड़ी और हमारे जो इनके नाती हैं अब्बास अली, आप इनको जानते होंगे, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। इनका जो नरेला विकास संगठन है, आपने देखा होगा जगह जगह पर, कभी मेडिकल कैंप है, कभी सेवा आश्रम में कोई भी सामाजिक कार्य है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो इनकी रिक्वेस्ट थी, फिर मैंने इनकी पूरी जो इनके नाना की हैं उमराव हाजी अली की, उनकी पूरी स्टोरी पढ़ी, जीवनी पढ़ी, इनकी एक पुस्तिका भी इन्होंने निकाली हुई है। पर थोड़ा देर से हुआ है, लेकिन ये काम होने चाहिए, इससे आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हमारे देश की आज़ादी हमें कैसे मिली है और कितने वरिष्ठ नागरिकों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया और सामाजिक कुछ काम किए हैं। सोसाइटी का चेयरमैन, राजधानी पब्लिक स्कूल का मैनेजर हूँ और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एडवाइजरी बॉडी में
सदस्य हूँ। आज क्या कार्यक्रम रखा गया था और इसकी डिमांड आप कब से कर रहे थे? देखिए, इसका जो था 2005 में ये पास हो गया था, 2005 से 10 तक प्रेमबल लग के पास हो गया था, लेकिन ये पेंडिंग हो गया था इलेक्शन की वजह से। बीच में इलेक्शन आ गए थे, आचार संहिता लग गई थी, वो पेंडिंग चल रहा था। जैसे ही हमारी निगम पार्षद सविता खत्री जी आई और इन्होंने सुना मेरे नाना हाजी चौधरी मरावली के बारे में और उनकी जीवनी पढ़ी, तो इन्होंने कहा कि आप मैं इसका नामकरण कराती हूँ। यहाँ तक कि मैंने जो 2005 और 10 से जितनी मेहनत की थी वो मैंने की थी, लेकिन अब मैंने 1% भी मेहनत नहीं है, वो सारा क्रेडिट जो श्रेय है वो सविता खत्री को जाता है। और आज आपके नाना जी के नाम से मार्ग का नाम रखा जा रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब से 50 साल पहले जब मैं जवान था तो या बच्चा था, और जो मैंने अपने नाना जी का टाइम देखा है और वो मुझे याद आ गया है, और वो इस पूरे इलाके में जितने हमारी 17 गांवों की पंचायत है उसमें भी वो उसके प्रधान भी थे मुस्लिम समाज में, और 17वीं में 13वीं में वो जाते थे एज ए मुस्लिम, जो हमारे यहाँ पगड़ी बनती है, तो उनका नौजवान मुस्लिम नौजवान जो भटक रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो देशभक्ति की तरफ कैसे आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो देखिए हर समाज में भटकते हैं, और मुस्लिम समाज में आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई कोई प्रदर्शन नहीं करता है, कोई दंगा नहीं करता है, आज डिबेट होती है, मुस्लिम समाज चुप है बिल्कुल। हाँ, हम ये कहते हैं कि अच्छे कामों की तरफ चलिए, जहाँ समाज की बात है तो 1-2% तो होता ही है, और हम कोशिश करते हैं कि उनको भी सही लाइन पर लाएं, और हमारा आह्वान तो ये है कि मुख्य धारा में सब लोग हमारे समाज के जितने हिंदू मुस्लिम सब एक था, मेरा सामुदायिक एकता भी बहुत काम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हम छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सबकी दुआओं से ये कामयाब हो और हम आपस में मिलजुल के मोहब्बत से रहें, और